6 month widow. The goal is tantalizingly close. मकसद बहुत करीब है. This year has so far seen only case of wild polio virus. With a 3-year-old boy in KP's Banu district falling prey to the crippling disease in April. इस साल अब तक जंगली पोलियो वायरस का सिर्फ एक केस सामने आया है. केपी के ज़िला बन्नू में एक 3 साल बच्चा अप्रैल में मजूरी की बीमारी का शिकार हुआ. By contrast, इसके बरक्स देयर वर 20 लास्ट ईयर. पिछले साल 20 थे. ऑल कंसंट्रेटेड इन सौदर्न केपी, जो के तमाम जनूबी केपी में मरकूज थे. वेयर बनू इज आल्सो लोकेटेड, जहाँ बनू भी वाकया है. मोर ओवर मजीद बरा द लोन केस ऑफ 2023 वाज रिपोर्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ 5 मंथ. मजीद ये के 2023 का वाहिद केस 5 माह के वक्फे के बाद रिपोर्ट हुआ. पाकिस्तान इज क्लियरली ऑन द राइट ट्रेजेक्टरी. पाकिस्तान वाज़िया तौर पर दुरुस्त रास्ते पर गामजन है. इवन दो इट टेक्स 3 consecutive years ऑफ 0 cases फॉर अ कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री. हालांकि किसी मुल्क को पोलियो से पाक करार देने में मुसलसल 3 साल तक सफ़र के केसेस लगते हैं. हाउएवर द नेशनल एंटी पोलियो कंपेन मस्ट रिमेन प्रोएक्टिव अगेंस्ट अ वायरस कॉन्स्टेंटली नॉकिंग ऑन आवर डोर्स. ताहम कौमी इंसदाद पोलियो महम को एक वायरस के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक रहना चाहिए जो हमारे दरवाज़े पर मुसलसल दस्तक दे रहा है. इट वाज़ रिपोर्टेड दिस वीक दैट एन इन्वायरमेंटल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम पिशावर हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर वाइल्ड पोलियो वायरस. इस हफ्ते ये इतला मिली थी के पिशावर से इकट्ठे किए गए माहौलियाती नमूने में वाइल्ड पोलियो वायरस के लिए मुसबत तजर्बा किया गया है. द 5th सच सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी दिस ईयर सिंस जनवरी, जो इस साल जनवरी के बाद शहर से जमा किया गया 5वां नमूना है. अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज, अहकाम के मुताबिक द पोलियो वायरस इन द सैंपल इज जेनेटिकली लिंक्ड टू दैट विच इज़ इन सर्कुलेशन इन अफगानिस्तान. अहकाम के मुताबिक नमूने में पोलियो वायरस जिनियाती तौर पर उस वायरस से जुड़ा हुआ है जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया का वाहिद दूसरा पोलियो का शिकार मुल्क अफगानिस्तान में दहशतगर्द है. द ओनली अदर पोलियो एंडेमिक कंट्री इन द वर्ल्ड असाइड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया का वाहिद दूसरा पोलियो का शिकार मुल्क अफगानिस्तान में गर्दिश में है. देयर इज अंडरस्टैंडेबली कंसीडरेबल इंटरनेशनल कमिटमेंट इन द ड्राइव टू इरेडिकेट दिस टेरिबल डिजीज़. इस खौफनाक बीमारी को ख़त्म करने की महम में काबिल फहम काफ़ी बीन अल अक्वामी अज़म मौजूद है. फार अनलेस इट्स ट्रांसमिशन इज़ इंटरप्टेड इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आल नेशंस रिमेन एट रिस्क, पर्टिकुलरली दोज विद वीक पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स. क्योंकि जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसकी तरसील में खलल नहीं पड़ता, तमाम अकवाम खतरे में रहती हैं, ख़ास तौर पर कमज़ोर सेहत आमा के निज़ाम वाले. एट द कंक्लूजन ऑफ अ 4-day विज़िट टू पाकिस्तान, अ हाई लेवल डेलीगेशन फ्रॉम द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव सैड
that the next 6 months were critical to interrupting the transmission of wild polio virus here. पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे के इख्तिताम पर ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के एक आला सती वफद ने कहा कि अगले 6 माह या जंगली पोलियो वायरस की मुंतकली को रोकने के लिए इंतहाई अहम है. कॉशियस ऑप्टिमिज्म वाज एक्सप्रेस्ड दैट द गोल इज अचीवेबल. मोहतात उम्मीद का इजहार किया गया कि मकसद हासिल किया जा सकता है. इन द वैक्सीनेशन ड्राइव नेक्स्ट मंथ हेल्थ अथॉरिटीज मस्ट इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड अंडर 5 इज कवर्ड. अगले माह वैक्सीनेशन मुहिम में सेहत के अहकाम को यकीनी बनाना चाहिए कि 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे का अहाता किया जाए. हार्टिंगली इट वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड बाई अथॉरिटीज इन केपी वेयर ऑल 7 पोलियो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान आर लोकेटेड दैट द नंबर ऑफ फैमिलीज रिफ्यूजिंग टू हैव पोलियो ड्रॉप एडमिनिस्टर्ड टू देयर चिल्ड्रन हैज़ कम डाउन बाई 35%. अफसोसनाक बात यह है कि हाल ही में केपी में अहकाम की तरफ से रिपोर्ट किया गया था जहाँ पाकिस्तान में पोलियो के तमाम 7 अज़ला वाक़िया हैं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले ख़ानदानों की तादाद में 35% कमी आई है. इन्वॉल्विंग द लोकल कलर्जी इन द एफर्ट टू प्रमोट वैक्सीनेशन को फ़रोग देने की कोशिश में मुकामी पादरियों को शामिल करना एन इम्पोर्टेंट मैयर गिवन द ऑब्जेक्शन स्टेम फ्रॉम फेथ बेस्ड मिसकंसेप्शंस. एक अहम इकदाम के पेश नज़र इतराज़ात अकीदे पर मबनी गलत फहमियों से पैदा होते हैं. appears to at least be bearing fruit. ऐसा लगता है कि आखिरकार नतीजा बरामद होता है. The legitimate grievances of lady health workers. A vital aspect of polio vaccination campaigns must also be addressed on a priority basis so that every eligible child is a timely recipient of the precious drops. लेडी हेल्थ वर्कर्स की जायज़ शिकायत जो कि पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का एक अहम पहलू है को भी तरजीह बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए ताकि ये मुस्तहिक बच्चा बर वक़्त कीमती कतरे वसूल कर सके.